हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस विद देवेश। दिस इज़ देवेश कुमार। हाउ आर यू ऑल? एज़ यू नो, वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड बिफोर द लॉन्ग टाइम वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर मोशन। इन दिस सीरीज़ वी आर डिस्कसिंग द साइंस ऑफ क्लास 9th, इन विच वी हैव कम्प्लीटेड वन ऑफ आवर चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, जिसमें हमने मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत सारे ग्राफ हमने बना के देखे थे। और लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर कोई भी दो चीज़ें गिवन हो, जैसे इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, टाइम हमें पता है, और एक्सेलरेशन हमें निकालना हो, या फिर और जो तीन चीज़ें हैं वो हमें पता है और कोई भी चौथी चीज़ हमें निकालनी हो, तो इसके लिए हमारे पास कुछ इक्वेशंस थी। इक्वेशंस क्या, बस उनको हम फॉर्मूला बोलते थे। ये तीन फॉर्मूला हम यूज़ करते थे किस लिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए ये तीन फॉर्मूलाज हम यूज़ करते थे, ठीक है। अब इन्हीं तीन फॉर्मूलाज को थोड़ा सा हम देखते भी हैं, भाई हम कैसे निकालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा है, हमने इस चैप्टर के अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ा है, और उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से ही हम इन तीन इक्वेशंस को बहुत आसानी से निकाल लेंगे, बहुत आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है फोकस करने की। किस चीज़ पे फोकस करने की? जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उस पे अच्छी तरह से फोकस करने की, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं अभी। ये हमको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। सबसे पहले ये समझिए कि ये जो ग्राफ है ये कहना क्या चाहता है। ये ग्राफ हमें ऐसा कहना चाहता है कि हमने यहाँ पर वाई एक्सिस पर लिया है किसको, वेलोसिटी को, और एक्स एक्सिस पर हमने किसको लिया है, टाइम को। अब इसने जो ये ग्राफ बनाया है ये दो पॉइंट्स के बीच में बनाया है, ए और बी, ठीक है। तो ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया है, यहाँ से हमारी वेलोसिटी में इंक्रीज जो होना है वो स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है यू। उसके बाद हमारी वेलोसिटी, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ वैसे वैसे हमारी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती चली गई। किस रेट के साथ? ए रेट के साथ। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी का इंक्रीज होना या वेलोसिटी का डिक्रीज होना। इसीलिए हम इंक्रीज या डिक्रीज ना बोल के उसको ऐसा बोलते हैं कि वेलोसिटी का चेंज होना। तो वेलोसिटी का चेंज होना यानी ए, एक्सेलरेट होना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी में चेंज आया है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। ए पॉइंट पर जो हमारी वेलोसिटी थी, ए पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी थी यू, और जैसे जैसे ये वेलोसिटी बढ़ती चली गई तो बी पॉइंट पर जाकर ये वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी, वी। इसका मतलब हमारी इनिशियल वेलोसिटी है यू और हमारी फाइनल वेलोसिटी है वी। इज दैट क्लियर? यस और नो? तो हमारा ओ पॉइंट जो है ये हमारा ओरिजिन था। ए पॉइंट से हमारी वेलोसिटी में चेंज होना स्टार्ट हुआ। कब तक चेंज हुआ? जब तक ये बी पॉइंट पर गई। तो इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी। और ये ए से बी तक चेंज होने में जितना टाइम लगा वो टाइम कितना था हमारा, टी। तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि इनिशियली हमारी वेलोसिटी यू थी, इंक्रीज़ होते होते वो वेलोसिटी वी हो गई, और ये होने में हमें कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। अब यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स लिखे हैं, उन वेरिएबल्स को हम समझ लेते हैं। क्या क्या वेरिएबल्स हैं देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ से? ए पॉइंट से। ए पॉइंट से पहले हम बी पॉइंट देखते हैं। बी पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, ये एक्स एक्सिस के ऊपर, क्लियर। और बी पॉइंट पे इसी तरीके से एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ करी ये। तो इस लाइन ने ग्राफ को कट किया वेलोसिटी एक्सिस पे, और इस लाइन ने, दूसरी जो लाइन थी, इसने ग्राफ को कट किया टाइम एक्सिस पे। इज इट क्लियर?
तो ये जो लाइन है ये हमें फाइनल पॉइंट दे रही है हमारा, जहाँ तक हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, यानी वो क्या है, वी। तो ओ से लेकर ए तक हमने क्या देखा, भाई ओ जो पॉइंट था, यहाँ से लेकर ए तक हमारी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, यू। और ए से लेकर ई तक हमारी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, वी। क्लियर? ये दो चीज़ें हमको बड़े अच्छे से याद रखनी हैं। क्या क्या याद रखनी हैं कि ये जो ओ पॉइंट है यहाँ से लेकर ई पॉइंट तक, ये मेरी टोटल वेलोसिटी कितनी है, वी। ये जो ए पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है, इनके बीच में मेरी टोटल वेलोसिटी कितनी है, यू। तो ये जो बीच वाला पॉइंट बच जाता है ए ई, यहाँ पर मेरी वेलोसिटी कितनी होगी, ये निकालना बहुत आसान है। ओ से लेकर ई तक मेरी वेलोसिटी है वी, और ओ से लेकर ए तक मेरी वेलोसिटी है यू। तो ये जो बीच वाला पार्ट बचा, इसमें मेरी वेलोसिटी कितनी होगी, ओ ई माइनस ओ ए। ओ से लेकर ई तक है वी, और ओ से लेकर ए तक है यू। तो ये वी माइनस यू मेरी इस पार्ट की वेलोसिटी है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। उसके बाद और इस ग्राफ में हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं बी पॉइंट से, जो कहाँ मिल रही है, टाइम एक्सिस पर। अभी ओ पॉइंट पर हमारा जो टाइम है वो कितना है, ज़ीरो। और ये जो सी पॉइंट पर कट कर रही है लाइन, यहाँ पर मेरा टाइम कितना है, यहाँ पर मेरा टाइम है टी। तो ओ से लेकर सी तक जो मेरा टाइम होगा वो कितना होगा, टी माइनस ज़ीरो, जो कि कितना आएगा, टी। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मेरी वेलोसिटी जो चेंज हुई, कितनी चेंज हुई, वो वी से चेंज होकर, यू से चेंज होकर वी तक चली गई, और ये चेंज होने में उसने कितना टाइम लिया, टी टाइम लिया। ये हमें ये ग्राफ बता रहा है। अब इसमें हम थोड़ी और मॉडिफिकेशन करते हैं जो हमें आगे जाके यूज़ होंगी। वो मॉडिफिकेशंस क्या हैं, ए पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस बी सी लाइन को कट करेगी, किस पॉइंट पर, डी पॉइंट पर। अब यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें एक तो ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है और एक ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस साइड में हमने स्टडी कर लिया है वेलोसिटी के चेंज को। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर ए से लेकर ई तक का जो डिस्टेंस है वो वी माइनस यू है, तो बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, वी माइनस यू, क्योंकि हमें दिख रहा है ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की जो दो पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। अगर ए से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है वो टी है, तो ई से लेकर बी तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, टी। एज वी नो कि द पैरेलल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। क्लियर? ओके। तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। रेस्ट द थिंग्स आर वेरी इजी। अब हम क्या करेंगे, वो जो हमारी तीन इक्वेशंस हैं मोशन की, उनको हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? देखिए कैसे डिराइव करते हैं। हमने जो ग्राफ लिया था, उसी ग्राफ के अंदर अगर हम कुछ चीज़ें निकालें, जैसे हम निकालें बी सी, ठीक है। तो ये बी सी कितना आएगा, ये हम आपको दिखाता हूँ ग्राफ में ही। बी सी मतलब बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मेरा कितना आएगा, ये बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस प्लस डी से लेकर सी तक का डिस्टेंस। क्लियर? अब ये जो डी सी है ये ओ ए के बराबर है, ये भी हम जानते हैं, क्योंकि एक रेक्टेंगल है और दो पैरेलल साइड्स हैं। तो इस डी सी की जगह मैं इसको बी डी प्लस ओ ए लिख सकता हूँ। क्लियर? अब ये जो बी डी है ये भी किसके बराबर है, ए ई के। तो बी डी की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ई। और ए से लेकर ई तक का डिस्टेंस मैंने आपको बताया था कितना है, वी माइनस यू, यही आपको बताया था, ठीक है ना। बस यही हमको यहाँ पर देखना था कि क्या आएगा।
अब इसमें हम आगे देखते हैं क्या हो रहा है। यही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं कि कैसे हमने पैरेलल ड्रॉ किया, क्या क्या किया। तो बी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस मेरा आया वो मेरा आया वी। उसके बाद ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस मेरा आया वो आया यू। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं बी डी निकालता हूँ तो बी डी मैंने देखा था कितना आता है, वी माइनस यू। अगर मैं यहाँ से ओनली वी निकालूँ तो वो कितना आ जाएगा, बी डी प्लस यू। ये दो इक्वेशंस जो मेरे पास हैं, क्लियर। उसके बाद एक्सीलरेशन जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। अब मेरी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, ये ग्राफ में मैंने देखा था बी डी। जैसे ये मेरा ग्राफ था ना, इस टाइप का मेरा ग्राफ था, तो मेरी वेलोसिटी में कितना चेंज आया था, ये बी पॉइंट था और ये डी पॉइंट था, तो ये मेरा चेंज आया था वेलोसिटी के अंदर, इसको मैंने माना था बी डी। और मेरा टाइम में कितना चेंज आया था, तो ये वाली जो मेरी लाइन थी वो मुझे टाइम दिखा रही थी, वो कितनी थी, ए डी। क्लियर, ए डी को ही हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी। और ओ से लेकर यहाँ, ओ से लेकर और यहाँ जो नीचे वो पॉइंट कट कर रहा था, ये डिस्टेंस मैंने आपको बताया था कितना है, टी है। क्लियर, ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, बी डी बाय टी। तो यहाँ से अगर मैं बी डी निकालना चाहूँ तो वो किसके बराबर आएगा, ए टी। और बी डी मैं जानता हूँ कि कितना है मेरे पास, वी माइनस यू। ये वैल्यू जब मैं पुट करूँगा तो v माइनस यू इज़ इक्वल टू ए टी। अच्छा, ये u यहाँ पर माइनस का है, दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो v इज़ इक्वल टू u प्लस ए टी। अपने ग्राफ में से हमने मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव कर लिया, क्लियर। अब इसी ग्राफ में से हम मोशन की सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्या है, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और हमने ऐसा पढ़ा था कि अगर हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, जैसे ये इसका कर्व है, तो इस कर्व के नीचे का अगर हम एरिया निकाल लें तो वो एरिया हमें क्या दे देगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ऐसा हमने क्लियरली स्टडी किया था। अब अगर मुझे इस कर्व के नीचे का एरिया निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, या तो इस पूरे ट्रपीजियम का एरिया निकाल लूँगा, क्लियर। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा, मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, और दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, क्लियर। अब ये रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है ना। अब इसकी एल इंटू बी कितनी है, यू है और इंटू टी है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस मेरा इनिशियल वेलोसिटी है यू, और ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना है, टी। तो ये मैंने क्या निकाल लिया, रेक्टेंगल का एरिया। अब ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, टी, इंटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी, वी माइनस यू। यही तो आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्लियर। तो इन्हीं चीज़ों को मैंने आगे लिख के इसको डिराइव किया हुआ है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्लियर। समझ में आई बात, ठीक है। तो आगे हम क्या देखेंगे कि ये जो बी डी है इसको मैंने ए टी पहले ही निकाल लिया था, ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने बी डी जो है वो ए टी के बराबर है, ये पहले ही प्रूव कर दिया था, सिर्फ इसी इक्वेशन को मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो मेरे पास जो सेकेंड इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस मैंने एक ही ग्राफ से डिराइव कर ली, ठीक है। अब अगर मुझे इस ट्रपीजियम का एरिया निकालना हो, ट्रपीजियम की अब मैं बात कर रहा हूँ, तो ट्रपीजियम का एरिया हम कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू जो दो पैरेलल साइड्स हैं उसको ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद जो तीसरी साइड है उसे उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे मेरा ट्रपीजियम का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, हाफ हाफ यानी 1/2, 2 मेरा नीचे आ गया, ओ ए प्लस बी सी जो मेरी पैरेलल साइड्स हैं, और मल्टीप्लाई बाय ओ सी। बस इनमें सिर्फ हमें वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है, ओ ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यू, बी सी की मेरे पास वैल्यू कितनी है, वी, और उसके बाद ओ सी की मेरे पास वैल्यू कितनी है, टी, क्लियर। तो मैंने ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर रख दी। अब मुझे क्या करना है, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये मैंने एक इक्वेशन निकाली थी।
अगर मैं यहाँ से u को दूसरी साइड ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा v माइनस यू, ए टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर मैं a को दूसरी साइड ले जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी t की। इस t की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया, क्लियर, लिखा भी हुआ है एज t इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। ये वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर देखो बेटा क्या है, ऊपर एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू है इसीलिए क्या आ गया है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये 2a को मैं इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2as, क्लियर। तो यहाँ पर मेरी जो तीसरी इक्वेशन है वो क्या आ गई, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आपने देखा कि एक जो सिंपल ग्राफ था, ठीक है ना, कौन सा ग्राफ था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उससे मैंने तीन इक्वेशंस को डिराइव किया। करना क्या है सिर्फ मुझे इस ग्राफ को अच्छे तरीके से समझना है, अगर मैं ग्राफ समझ गया देर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर मी, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर हमने मोशन की जो तीन इक्वेशंस हैं उनको डिराइव करके देखा, बड़े अच्छे से आप उनको डिराइव कर पाएंगे, उन इक्वेशंस को समझ पाएंगे। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू क्लियरली रीड ऑल द डिटेल्स अबाउट द ग्राफ। इस ग्राफ को आपको खुद बनाना भी है, और बनाने के बाद जब आप ये वैल्यूज़ इस तरीके से इसमें पुट करेंगे तो आप इजीली मोशन की जो इक्वेशंस हैं उनको डिराइव कर पाएंगे। अब कुछ बच्चे अगर डायरेक्ट इसी वीडियो पे आ गए हैं तो उनको ऐसा लग रहा होगा भाई ये चल क्या रहा है यहाँ पे, ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्होंने लास्ट वीडियोज़ में जो हमने ग्राफ डिस्कस किए थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने सीखे थे, कुछ रूल्स हमने देखे थे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम एरिया निकालते हैं तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, वो सब उन्होंने क्लियरली अभी नहीं समझे होंगे। अगर आप वो नहीं समझेंगे, डायरेक्ट बीच वाले स्टेशन पर आके चढ़ जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी थोड़ा, ठीक है। तो इस वीडियो को समझने के लिए यू हैव टू लिसन टू ऑल द लास्ट वीडियोस, उनको आप अगर समझ लेते हैं तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इसको आप आसानी से समझ पाएंगे, क्लियर। इन द नेक्स्ट वीडियो हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो हमें तो उस ग्राफ को स्टडी करके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी करके अच्छे से हम इक्वेशन को डिराइव करना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स इसके कुछ करेंगे, करके देखेंगे, ट्राई करेंगे, और एक सर्कुलर मोशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।